हे गाइस वेलकम बैक। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 10 थिंग्स आई एम करंटली ऑब्सेस्ड विद। बहुत ज़्यादा मेरे पास रिक्वेस्ट आती है तुम लोगों की तरफ से कि मैं मंथली फेवरेट वीडियो करूँ, बट ऑनेस्टली मैं मंथली फेवरेट नहीं कर सकती बिकॉज मैं हर मंथ बहुत ज़्यादा नए प्रोडक्ट नहीं यूज़ करती हूँ। एंड आज जो प्रोडक्ट मैं तुम लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ये मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ। कुछ प्रोडक्ट है जो रिसेंटली मैंने कुछ टाइम से लिया है एंड आई नो मैं इसे बहुत लंबे टाइम यूज़ करने वाली हूँ। एंड बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है जो एटलीस्ट मैं 6 महीने से तो यूज़ कर ही रही हूँ। एंड और एक चीज़ मैं स्टार्टिंग में बोलना चाहती हूँ, जस्ट कुछ दिन पहले मैंने शिवानी तनेजा को ये सेम वीडियो करते हुए देखा था एंड मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा ये कॉन्सेप्ट। आई एम श्योर उसके पहले भी कुछ लोगों ने किया होगा बट मैंने फर्स्ट टाइम शिवानी को ही करते हुए ये वीडियो देखा था। एंड मेरे पास बहुत रिक्वेस्ट रहती थी मंथली फेवरेट की, तो मुझे लगा ये आइडिया बहुत अच्छा है। 10 थिंग्स आई एम ऑब्सेस्ड विद, मंथली फेवरेट नहीं कर सकती तो मैं ये करके तुम लोगों के साथ मेरे फेवरेट प्रोडक्ट शेयर कर देती हूँ। एंड आई होप ये वीडियो देखने में तुम लोगों को मजा आएगा, हेल्पफुल रहेगा कुछ लोगों के लिए शायद। तो चलो अब मैं आपको एक एक करके सारे प्रोडक्ट्स दिखा देती हूँ। सो गाइस जो फर्स्ट प्रोडक्ट है जिससे मैं एकदम ऑब्सेस्ड हूँ, मेरे फेवरेट है, वो है आपकी जूल्स गैलेक्सी की ज्वेलरी, स्पेशली उनकी इयररिंग्स। अभी मैंने एक पहनी भी हुई है, ये बहुत प्रिटी है। सबसे पहली चीज़ तो ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, ऐसे ऐसे पैक में आता है। अभी रिसेंटली मैंने जूल्स गैलेक्सी ज्वेलरी हॉल शेयर किया है तुम लोगों के साथ, अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लेना। जितने भी ज्वेलरी लवर्स हैं ना वो ये ब्रांड देख सकते हो। एक तो ये बहुत अच्छे से पैक होके आती है, दूसरी ये बहुत अफोर्डेबल है, तीसरी काफ़ी ट्रेंडी ज्वेलरीज रहती है, ऐसा नहीं कुछ बोरिंग सी आइटम देगा, नहीं काफ़ी ट्रेंडी पीसेज हैं। मैं ये एक एक पैक आपको अमेजोन पे 225 रुपीज़ का मिल जाएगा, यानी 225 रुपये का, दैट्स इट, 225 रुपये में आपको बहुत सारी इयरिंग्स आती है। किसी किसी पैक में 6 रहती है, किसी में 7, किसी में 8। एंड ये वाला जो पैक मैंने खरीदा है जिसकी इयरिंग अभी मैंने पहनी है, इसमें मुझे 9 पेयर मिले थे, लाइक 6 इसमें स्टड्स थे, ऐसे 6 तो इसमें स्टड्स है और 3 हूप से अलग अलग डिज़ाइन के, अलग अलग साइज के। एंड ऐसे मेरे पास काफ़ी सारे पैक है जूल्स गैलेक्सी के, प्रॉपर मैंने हॉल किया है एक, तो आप वो वाला वीडियो देख लेना अगर आपने नहीं देखा है अभी तक। सो फर्स्ट प्रोडक्ट है जिससे मैं एकदम ऑब्सेस्ड हूँ वो है जूल्स गैलेक्सी की ज्वेलरी। सो गाइस जो हमारा नेक्स्ट आइटम है आज के वीडियो का वो है आपका स्विस ब्यूटी का लिप ग्लॉस। इसका भी मैंने एक सेपरेट रिव्यू किया है मेरे चैनल पर, उसे भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दूंगी। ये मुझे लिए हुए काफ़ी टाइम हो गया है, कुछ दिन मैंने यूज़ किया फिर मैंने इसका रिव्यू शेयर किया था। अभी भी मैंने मेरे लिप्स पर लगाया हुआ है, मोस्टली आपको मेरे लिप्स पर जो लिप ग्लॉस दिखता है वो यही है। एक्चुअली मेरे पास ये अभी एट द मोमेंट एक ही ग्लॉस है ये, एंड ये सेकेंड प्रोडक्ट था ये। एंड अभी ग्लॉस बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में आया हुआ है एंड ये काफ़ी अफोर्डेबल है, बहुत अच्छी क्वालिटी है। आपको बिलीव नहीं होगा बट 3 वीडियो मैंने ऑलरेडी शूट कर लिया है, मुझे बहुत देर हो गई है रेडी हुए, और ये ग्लॉस अभी भी आप देख सकते हो ऐसा ही है। सो गाइस जो थर्ड प्रोडक्ट है वो है आपका मेबेलिन फिट मी लूज फिनिशिंग पाउडर। ये मैं आई थिंक लास्ट 1.5 साल से यूज़ कर रही हूँ, आई थिंक हाँ 1 या 1.5 साल हो चुका है। एंड जब मैं कैमरे के लिए रेडी होती हूँ ना, मैं फाउंडेशन सिर्फ और सिर्फ तभी यूज़ करती हूँ, फाउंडेशन कंसीलर। बाकी जब भी मैं ऐसे रेडी होती हूँ कहीं बाहर घूमने जाने के लिए या किसी फंक्शन के लिए, तो मैं सिर्फ और सिर्फ अपने फेस पे यही लगाती हूँ मैं, और फाउंडेशन कंसीलर कुछ नहीं लगाती हूँ। और अपने फेस पे प्राइमर लगा लेती हूँ, जैसे जो ओपन पोर्स है वो अच्छे से फिल हो जाए, स्किन जो है स्मूथ हो जाए, प्राइमर के बाद मैं ये लगा लेती हूँ। मैं कोई फाउंडेशन कंसीलर यूज़ नहीं करती हूँ अगर मैं कैमरे के लिए रेडी नहीं हो रही होती हूँ। मुझे बहुत पसंद है, इसमें अपना काफ़ी अच्छा कवरेज है एंड ये बहुत थोड़ा सा भी यूज़ होता है, बिल्कुल भी केकी नहीं लगता है। आई जस्ट लव दिस, अगर तुमने कभी ट्राई नहीं करा है मैं अपनी तरफ से हाईली रिकमेंड करती हूँ इस लूज पाउडर को। नेक्स्ट एंड फोर्थ आइटम जो है वो एक परफ्यूम है। यू गाइस नो आई लव परफ्यूम, मैंने काफ़ी सारे परफ्यूम के रिव्यू वीडियो भी शेयर किए हैं और भी इन फ्यूचर करते रहूँगी। एंड मुझे परफ्यूम बहुत पसंद है, मैं दिन में 2 बार 3 बार लगाते रहती हूँ परफ्यूम। एंड करंट फेवरेट है मेरा स्किन बाय टाइटन का शीयर, ये मुझे इतना ज़्यादा पसंद आया कि इसके पहले मुझे काफ़ी सारे परफ्यूम और थे जो बहुत पसंद थे, बट अभी लाइक मेरा नंबर वन फेवरेट है शीयर एंड आई थिंक बहुत लंबे टाइम तक यही मेरा नंबर वन फेवरेट रहेगा। स्किन बाय टाइटन के 5 परफ्यूम हैं मेरे पास, 5ों ही बहुत अमेजिंग है। एंड नायका के भी बहुत सारे परफ्यूम हैं बट नंबर वन फेवरेट है ये शीयर। एंड और एक चीज़, अगर तुम में से कोई भी वर्गो है ना तो तुम ये परफ्यूम ज़रूर ट्राई करना, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है वर्गर्स को बहुत पसंद आएगा, उनकी पर्सनैलिटी को भी बहुत सूट करता है ये वाला परफ्यूम, बिकॉज आई एम अ वर्गो, मुझे ऐसा लगता है कि ये परफ्यूम वर्गोस के लिए परफेक्ट है।
सो यस, मेरा नेक्स्ट फेवरेट था स्किन बाय टाइटन का शीयर परफ्यूम। सो नेक्स्ट फेवरेट जो है वो मैंने पहले भी मेरे चैनल पे कई बार बताया है एंड आया है, मैंने बहुत बार बोला है कि मेरा एब्सोल्यूट फेवरेट है, मैं बहुत सालों से इसे यूज़ कर रही हूँ। ये है आपका बॉडी शॉप का शावर जेल इन द वेरियंट ब्रिटिश रोज। जितने भी शावर जेल्स मैं ट्राई कर लूँ या मैंने किए हैं, मुझे सबसे ज़्यादा यही पसंद है। एंड इन फैक्ट मैंने बहुत लोगों को देखा है जो भी ये ब्रिटिश रोज़ एक बार ट्राई करता है ना, ये उसका फेवरेट हो जाता है एंड उसके बाद वो उसे यूज़ करना बंद ही नहीं कर पाता है। अगर तुमने ये बॉडी शॉप का ब्रिटिश रोज़ कभी ट्राई नहीं करा है तो एक बार प्लीज़ ज़रूर ट्राई करना, बहुत अच्छा है। इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, बहुत ही प्यारे रोज़ की खुशबू है। जब भी इसे शावर लो ना तो ऐसे लगता है कि आप रोज़ के गार्डन में बैठ के शावर ले रहे हो, इतनी प्यारी स्मेल है इसकी। तो यस, मैं अपनी तरफ से हाईली रेकमेंड करती हूँ इस शावर जेल को। सो गाइस, जो मेरा नेक्स्ट फेवरेट है वो है आपका लॉरियल पेरिस का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हेयर ऑयल सीरम। ये मुझे बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। इनफैक्ट मेरे पास काफ़ी सारे सीरम है, मेरे पास पैंटीन का है, मेरे पास और दूसरे सीरम्स भी है, बट मुझे इससे ज़्यादा कोई भी सीरम अच्छा नहीं लगता है। एंड इनफैक्ट लॉरियल का और एक सीरम भी है जो मैं भूल गई, आई थिंक नो हेयर कट क्रीम, वो भी बहुत अच्छी है। बट ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हेयर ऑयल सीरम है, लिटरली इट इज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। काफ़ी लाइट वेट है, बिल्कुल भी चिपचिप नहीं करता है। इसका मैंने दो वीडियो शेयर करा था, एक मैंने इसका रिव्यू किया है, एक मैंने इसका और पैंटीन ओपन हेयर मिराकल का कंपैरिजन वीडियो भी किया था। सो उन दोनों को भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दूंगी, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना। बाकी मेरी तरफ से मैं इस हेयर सीरम को भी आपको हाईली रिकमेंड करती हूँ। अगर आपके हेयर बहुत फ्रिजी है, बहुत अनमैनेजेबल है, लाइक बहुत ज़्यादा टैंगल हो जाते हैं या कुछ भी है, इसे बहुत अच्छी शाइन भी आती है। ऑल एंड ऑल आई लव दिस सीरम। सो गाइज, मेरा जो नेक्स्ट फेवरेट है वो है आपका स्विस ब्यूटी का रियल मेकअप बेस हाइलाइटिंग प्राइमर। ऐसे दिखती है इसकी बॉटल, इसमें से पंप आता है। पहले मैं आपको बता दूँ कि जो मैंने शेड परचेज किया है वो है 02, जो मैंने इसमें शेड लिया है वो है नंबर 2 गोल्डन टिंट। इसके पहले भी मैंने इसमें गोल्डन टिंट ही लिया था, ये मुझे बहुत पसंद आया तो मैंने इसे रीपर्चेज किया है। एंड ये मैंने निधि कटियार को काफ़ी इसकी तारीफ़ करते हुए सुना था, वहीं से देख के मैंने इसे लिया था। एक्चुअली उसके पहले तुम लोगों में से बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया था तो मुझे पता नहीं था, तो मैंने फिर निधि कटियार की वीडियो में देखा कि वो भी बहुत तारीफ़ कर रही थी इसकी, तो मैंने सोचा निधि बोल रही है तो अच्छा ही होगा और मैं इसे ट्राई करती हूँ। मुझे बहुत पसंद आया तो मैंने इसे रीपर्चेज़ किया है एंड इसका मैंने अभी तक रिव्यू नहीं करा है, तो बहुत जल्दी मैं इसका रिव्यू तुम लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। सो सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया है, बेल आइकन पे भी हिट कर देना, जैसे जब मैं इसका रिव्यू शेयर करूँ तो तुम लोगों को उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। सो गाइस, मेरा जो नेक्स्ट फेवरेट है वो है आपका कामा आयुर्वेदा की नाइट क्रीम। आई एम इन लव विद दिस प्रोडक्ट। आई नो ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, बट ट्रस्ट मी गाइज, इट्स वर्थ एवरी पेनी। लाइक बहुत थोड़ा सा लगता है, जब भी आप इसे अपने फेस पर लगाते हो ऐसा लगता है जैसे आपकी स्किन वेलवेट जैसे हो गई है, आपकी स्किन बहुत सॉफ्ट एंड सपल फील करने लगती है। इट्स लाइक एंटी एजिंग प्रोडक्ट। जब आप इसे रेगुलर यूज़ करोगे ना, कुछ ही दिन में आप अपने स्किन के ऊपर एक डिफरेंस नोटिस कर पाओगे कि आपकी जो लाइंस है ना वो धीरे धीरे करके लाइक फाइन लाइंस कम होने लगी है, जो स्पॉट्स है वो धीरे धीरे घटने लगे हैं। मुझे ये पर्सनली बहुत पसंद है। आई नो थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, ये अराउंड 2400 की आती है फॉर जस्ट 50 ग्राम, बट जब ये मेरी ख़त्म हो जाएगी मैं डेफिनेटली इसे रीपर्चेज करूँगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है 2400 की क्रीम परचेज करने में, मैं आपको हाईली रेकमेंड करती हूँ। एंड मैं बोलूँगी कि फालतू की चार उल्टी सीधी क्रीम खरीदने से अच्छा थोड़ा सा सेव करके इसको एक खरीद लो। इसमें एक छोटी भी आती है 25 ग्राम की, मुझे इसका प्राइस नहीं पता, तुम वो भी खरीद सकते हो। एंड बाय द वे मैंने इसका भी एक सेपरेट रिव्यू किया है मेरे चैनल पे। कामा के मेरे पास और भी प्रोडक्ट है, मेरे पास इसका स्क्रब है, इसका रोज वाटर है, वो भी बहुत अच्छे हैं, बट एक प्रोडक्ट जो मैं किसी को आंख बंद करके रेकमेंड कर सकती हूँ वो इसकी ये नाइट क्रीम। आई जस्ट लव दिस प्रोडक्ट। सो गाइस, आई थिंक अब लास्ट सिर्फ दो ही प्रोडक्ट बचे हैं। एक है आपका ये आई मेकअप ब्रशेस, ये है आपका फ्रॉम दी ब्रांड स्टार्ट मेकर्स। ये एक ही है, इसका पूरा एक सेट था, उसका भी मैंने एक सेपरेट रिव्यू किया है मेरे चैनल पर, अमेजोन बेस्ट एंड वर्स्ट मेकअप ब्रशेज, उसमें ये भी थी। ये बेस्ट आई मेकअप ब्रशेज है, इसका आई थिंक 14 ब्रश का सेट था, बिल्कुल एक पाउच में आया था। अगर आपके पास ये वाला आई मेकअप ब्रश का सेट है ना, ट्रस्ट में आपको कुछ दूसरा कोई भी आई मेकअप ब्रश का सेट नहीं लगेगा। ये मैंने कई बार वॉश किया है, मैं आपके सामने ऐसे कर रही हूँ, एक भी इसका हेयर निकल नहीं रहा है। बहुत मैंने वॉश किया है, बिल्कुल कुछ ख़राब नहीं हुई है,
बहुत सॉफ्ट है, बहुत अच्छे से ब्लेंड करती है। इसमें कट क्रीज करने के लिए भी है, ब्लेंडिंग के लिए भी है, लाइक इसमें वैरायटी है, आईब्रो फिल करने के लिए भी है। इसमें मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी इस ब्रश के बारे में, बिकॉज मैंने एक सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो किया है जहाँ मैंने एक एक ब्रश आपको अलग से दिखाई थी एंड बहुत अच्छा मुझे इसमें रिस्पॉन्स मिला। बहुत अच्छे अच्छे कॉमेंट है उसके नीचे, बहुत लोगों ने वो ब्रश खरीदी है मेरे रिकमेंडेशन पे एंड सबको बहुत पसंद आई है। एंड आई थिंक ये 425 या 429 आई थिंक मैंने इसका पे किया था, 430 रुपीज़ में आपको 14 ब्रशेस मिलेगी अमेजिंग क्वालिटी की। अगर आप बिगिनर हो आपके लिए तो भी अच्छी होगी, अगर आप आई मेकअप अच्छे से जानते हो तो भी आपको बहुत पसंद आएगी। अपनी तरफ से मैं हाईली रेकमेंड करती हूँ इन आई मेकअप ब्रश के सेट को। एंड यस, अब आ जाते हैं हम लास्ट एक प्रोडक्ट के ऊपर गाइस। उसको मैं कैमरे के ऊपर आपको ऐसे करके नहीं दिखा सकती, मैं आपको सिर्फ रख के दिखा सकती हूँ। ये मैंने लास्ट ईयर फेब में परचेज किया था, मैंने काफ़ी बार सोचा है कि मैं इसका एक रिव्यू करूँ बट मैं कन्फ्यूज़ हूँ। आज मैं आपको दिखा रही हूँ, अगर आप बोलोगे तो मैं इसका एक रिव्यू ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। ये है एक साइक्लिंग, लाइक मेरा रूम जो है वो बहुत बड़ा नहीं है, मेरा रूम थोड़ा छोटा है, मैं यहाँ पर रहती हूँ, लाइक ये मेरा बेडरूम भी है, यहीं पे मैं वीडियो शूट करती हूँ, ये मेरा स्टूडियो भी है, यहीं पे मैं वर्कआउट भी करती हूँ। और मुझे वर्कआउट के लिए एक साइकिलिंग चाहिए थी, बहुत टाइम से मेरा मन था, बिकॉज मेरा काम ऐसा है कि मुझे मोस्ट ऑफ द टाइम बैठे रहना पड़ता है तो काफ़ी ना मुझे ऐसा ब्लोटिंग होती थी, तो मेरा मन था मैं अपने वर्कआउट के लिए एक साइकिलिंग खरीदूँ, पर मेरे रूम में साइकिलिंग के लिए स्पेस नहीं था। तो मुझे काफ़ी ढूंढने के बाद अमेजोन पर ये दिखी और मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी। इसमें सीट नहीं है, काफ़ी छोटी है, आप इसे फोल्ड भी कर सकते हो, फोल्ड करके आप अपने बेड के नीचे लगा डाल दो, आप चेयर के नीचे रख लो, आप इसे अपने टेबल के नीचे रख लो, सोफे के नीचे रख लो, आप अपने कबर्ड के ऊपर भी उठा के रख सकते हो, काफ़ी हल्की है। सीट नहीं है तो आप इसको अपने चेयर के साथ, सोफे के साथ, बेड के साथ कहीं पे भी साइड में रख के अटैच कर लो। अटैच मतलब कहीं से कुछ अटैच करने का नहीं है, कहीं पे भी रखो, बैठ के आप वर्कआउट कर लो, आप टीवी देखते देखते वर्कआउट कर सकते हो, आप अपने छत पर ले जाओ, बालकनी में बैठ के आप हवा खाते हुए भी आराम से वर्कआउट कर सकते हो, जब मन करे जहाँ मन करे आप वहाँ इसे वर्कआउट कर सकते हो। अगर आपका भी सेम प्रॉब्लम है मेरे जैसे कि बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये काफ़ी अच्छी है, गुड क्वालिटी है। इनफैक्ट ये जो टाइम है लॉकडाउन का, सब इतना ज़्यादा घर पे है ना, तो काफ़ी ब्लोटिंग होने लगी है, काफ़ी हेल्थ इश्यूज़ भी होना स्टार्ट हो गए हैं बिकॉज हम पूरा टाइम बैठे रहते हैं। तो अगर आप अपने लिए अच्छा कोई साइकिलिंग या वर्कआउट के लिए कोई चीज़ ढूंढ रहे हो, कम स्पेस है, आप इसे परचेज कर सकते हो, बहुत अच्छी क्वालिटी है। एंड ये आई थिंक मेरा लास्ट प्रोडक्ट था 10th, एंड आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो, आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर वीडियो पसंद आया है सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर माय चैनल। बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।